पढ़ते नहीं तो गैरो भी कल मार सोले का पढ़ते नहीं तो गैरो भी कल मार सोले का पढ़ते नहीं तो गैरो भी कल मार सोले का अबू तारीफ को काफी लोग कहते हैं मगर वो काफी नहीं थे। नबी को पालने वाला कोई काफी नहीं हो सकता है। मलाजे करता हूँ दुआओं के साथ। जन्नत किसको मिली किसको नहीं मिली मलाजे करता हूँ दुआओं के साथ। पढ़ते नहीं तो गैरो भी कल मार सोले का पढ़ते नहीं तो गैरो भी कल मार सोले का पढ़ते नहीं तो गैरो भी कल मार सोले का पढ़ते नहीं तो गैरो भी कल मार सोले का हकल मार सोले का जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसोले सवाल।
सर सवाने जे पर जब आ जाएगा सूरज, रसूलुल्लाह की चादर का कोना काम आएगा। हो रही है जवान
नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं दो मौलाना शहबाज अब्बासी साहब इमला जो मतलब सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं वो तशरीफ लाएँ और आज की सब की मुनासबत से तकरीर करें। सरकार को मालूम होना चाहिए कि तकरीर ज़्यादा हो रही है, आपसे गुजारिश कुछ नहीं है, बस आप समझ बूझ के तकरीर को तकलीफ करें ताकि और शायरों को मौका नहीं मिल सके। मैं आपसे वसल अगर जमात गुजारिश गुजार हूँ कि आप तकलीफ शुरू करें और आप अपने आपको समझें कि उनका कितना मिल लेना है। दरख्त बनाया, पत्ता बूटा सबको बनाया मेरे अल्लाह ने,
मुसलमान मुसलमान तो परेशान है, हर फितने में पड़ा हुआ है। कोई पीर पीर को बोल रहा है, कोई आलिम आलिम को बोल रहा है। अरे हुसैनी जज्बा है तो हुसैन ने नमाज पढ़ कर दिखाया, हम लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए। मुसलमानों उम्मत के नौजवानों याद रखो, सरकार मदीना ने हर लम्हा नमाज पढ़ा, अली मुर्तजा ने हर लम्हा नमाज पढ़ा, हुसैन ने सर कटा दिया, नमाज को छोड़ा नहीं। आज हम मुसलमान हुसैनी बनते है, नमाज को क्यों छोड़ते? अगर सबसे पहले रब के आगे झुको, ए मुसलमानों अगर तुम रब के आगे झुकोगे, अली भी तुमसे राजी होंगे, नबी भी तुमसे राजी होंगे, खुलफाए राशिदीन भी तुमसे राजी होंगे, हुसैन पाक भी तुमसे राजी होंगे। पंजतनी है, फकर से कहते हैं हम पंजतनी है। मुसलमानों हम ताजिया बनाते हैं, नबी के पाक में जुलूस से मोहम्मदी निकालते हैं, हुसैनी जज्बा दिल में रखते हैं। ऐ मुसलमानों अल्लाह ने कहा कि तुम मेरी इबादत करो, हम इबादत को छोड़ दिए जा रहे हैं, यहाँ दूसरे दूसरे आलिम को बोले जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों चाय पान की दुकान पे कुरान की तिलावत करने वालों, यहाँ पे कुरान की तिलावत कर कर तुम बहसा करने वालों, तुम उनके पीर को बुरा बोलने वाले हो, उनके आलिम को बुरा बोलने वाले हो। ऐ मुसलमान तो अल्लाह ने हम नबी की उम्मत इसलिए आए कि इनकी उनकी बुराई करने के लिए, इनके उनके पीर की बुराई करने के लिए। हम मुसलमान है, नबी के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। फकर से कहते हैं मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। हम उनके उम्मत में रहकर उम्मती सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के लिए लामक्का पर 9 बार गए, उम्मत के लिए लामक्का पर 9 बार गए, अपने लिए 1 बार गए। वो नबी जो लामक्का पर रहकर हम उम्मती को ना भूले, हम उम्मती मकान में रहकर उस नबी को भूल जा रहे हैं। हम उम्मती अपने मकान में रहकर उस नबी को भूल जा रहे हैं। है मुसलमानों जिनके सत्य में जमीन बना, जिनके सत्य में आसमान बना, जिनके सत्य में दरख्त बने, जिनके सत्य में चांद सूरज बना, जिनके सत्य में हमारा आप बने, जिनके सत्य में सारा कायनात बना। है मुसलमानों जिनके सत्य में सारा जहान बना, जिनके सत्य में सारा कायनात बना, हम उनके उम्मती है। हर नबियों ने इंतजार किया, हर नबियों ने दुआ के लिए कहा, ए रब्बे कदीर मुझे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दे दे। ईसा ने भी दुआ किया, मूसा अलैहि सलाम ने भी दुआ किया। हमारी देखो, हमारा ईमान तो देखो, हम मोहम्मद अरबी की उम्मती है। मुसलमानों आज हमारे भाई लोग उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जश्न ईद मिलाद उन नबी का इत्तेफाक किया है, मुसलमानों को इनाम रचाया गया है। हम मुसलमान हैं, सरकार पर ईमान रखते हैं, मौला अली को मानने वाले हैं, खुलफाए राशिदीन को मानने वाले हैं। मौला अली ने नमाज पढ़ा, मौला अली ने नमाज का तरीका बताया, मौला अली नबी के रास्ते पर चले, आज नबी के रास्ते पर हम नहीं है। आज इनकी बुराई उनकी बुराई, ये क्या है मुसलमानों? आज इनके पीर की बुराई, ये सिलसिला गलत है, ये सिलसिला गलत है। ताजिया उठाना मना है, ताजिया उठाना मना है। अरे सुनो तो किसकी सुनो? अरे मुसलमानों आज मुसलमान परेशान क्यों है? ताजिया बनाना, ताजिया रखना, ताजिया बनाना खैर बरकत है, 2200 खैर बरकत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कह रहे हैं, अपने मक्तूबात में कहते हैं कि ताजिया रोजे हुसैन बनाना, रोजे हुसैन रखना, रोजे हुसैन उठाना 2200 खैर बरकत है। आज आलिम गलत बयान कर रहे हैं, आज आलिम उलमाए कराम गलत बयान कर रहे हैं। अब्बास अलमबरदार के परचम को लहराया जा रहा है, आज अब्बास अलमबरदार को परचम को नीचा दिखाया जा रहा है। हम हुसैन मुसलमान अब्बास अलमबरदार को परचम को बुलंद करते जाएंगे, इस्लाम का बोलबाला करते जाएंगे, हुसैनी मिशन को बढ़ाते जाएंगे, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे चलते रहेंगे। मुसलमानों सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक्य है, सरकार मदीना मोहम्मद कलबी सीना मगरिब की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं। यहाँ पे गुंजाइश नुक्ता नहीं, नवासों का कहाँ होगा जो नाना का नहीं, नवासों का कहाँ होगा जो नाना का नहीं। मंजिले मकसूद तक पहुँची नाना की नमाज, मंजिले मकसूद तक पहुँची नाना की नमाज। खुद ब खुद जब तक नवासा पोस्ट से उतरा नहीं, खुद जब तक नवासा पोस्ट से उतरा नहीं,
Yeah.
Thank you.
के गुलाम से, देशों के मुन्ना लगना अली के गुलाम से। यूं तो सफी बहुत हैं जमाने में आज अली, यूं तो सफी बहुत हैं जमाने में आज भी, लेकिन मिली है भी मोहम्मद के नाम से। वाजिब है हर बशर के लिए ये भी दोस्तों, वाजिब है हर बशर के लिए ये भी दोस्तों, ले नाम मुस्तफा का बहुत एहतराम से। वाजिब है हर बशर के लिए ये भी दोस्तों, ले नाम मुस्तफा का बहुत एहतराम से। और हैं चांद तारे और जमीनों फलक गवाह, हैं चांद तारे और जमीनों फलक गवाह, बाकी है कायनात नबी और इमाम से। बाकी है कायनात नबी और इमाम से। हाँ, आफ्ताबे चर्फ रिसालत में मुस्तफा, हाँ आफ्ताबे चर्फ रिसालत में मुस्तफा, हम भी चिरागे इश्क जलाते हैं शाम से। चलती थी जुल्फ़िकारे, चलती थी जुल्फ़िकारे अली रन में जिस घड़ी, चलती थी जुल्फ़िकारे अली रन में जिस घड़ी, कहता था हर लाइन मैं भी गया काम से। कहता था हर लाइन मैं भी गया काम से। चलती थी जुल्फ़िकारे अली रन में जिस घड़ी, कहता था हर अली हर कहता था हर नहीं गया मैं भी काम से। आलम खुदा गवाह है वही खुश नसीब, आलम खुदा गवाह है वही खुश नसीब है, मशहूर जो हुआ अली के गुलाम से। जिनको भी उनसीयत नहीं है हैदर के नाम से, जिनको भी उनसीयत नहीं है हैदर के नाम से, महशर में दूर होंगे वो कौसर के जाम से, महशर में दूर होंगे वो कौसर के जाम से। और रखते थे उस दरख्त का मीसम बड़ा ख्याल, मंसूब जो दरख्त था मीसम के नाम से, मंसूब जो दरख्त था मीसम के नाम से। और शायद इसीलिए चुना मीसम ने दार को, जिक्र अली करूँगा अब आला मकाम से, जिक्र अली करूँगा अब आला मकाम से। गुजारिश करूँगा शाह शिवानी साहब से तशरीफ लाए और है रसूल का साया था या न था।
Oh.
Thank you.
हिंद मत। भूल जाओ रसूले बरक को, खुद को इतना अमीर मत। का
से मोहल्ला पे इंतखाब हुआ, अली का अर्श मोहल्ला पे इंतखाब हुआ, जमीन पे दीन का कामिल फकत हिसाब हुआ, अली का अर्श मोहल्ला पे इंतखाब हुआ, जमीन पे दीन का कामिल फकत हिसाब हुआ, हजारों साल मशक्कत तो अंबिया ने किया, खुदा का दीन विलायत पे कामयाब हुआ। नबी के जैसा कोई खानदान थोड़ी है, नबी के जैसा कोई खानदान थोड़ी है, कुरान में देख लो मेरा बयान थोड़ी है, जैसा कोई खानदान थोड़ी है, कुरान में देख लो मेरा बयान थोड़ी है, अली का जिक्र इबादत है, कह गए रसूल सफीरों की कोई दास्तान थोड़ी है। Allahu Akbar.
कामयाब उसी वक्त हो सकती है जब अली की विलायत दामन में हो।
मालिक कहा, मुजम्मिल कहा, यानी जिसे हबीब कहा, महबूब कहा, उस नबी से अब तक एहतराम से कलाम कर रहा है, अब ये कह रहा है कि नबी अगर ये ना पहुंचाए तो गोया कार्य रसालत आपने अंजाम नहीं दिया। जिसका मतलब है कि नबी का दीन भी दीन नहीं हुआ जब तक खदीर वाकई नहीं हुआ। हजार मोहतरम, हमें चाहिए कि हम विलाए अली के साथ, और हम मिल्लत के कायल हैं, हम इत्तेहाद के कायल हैं, इसलिए कि इत्तेहाद वही हो कि जहां शरीयत महफूज हो। और अजान मोहतरम, शरीयत उस वक्त तक महफूज नहीं हो सकती जब तक दामन में अहले बैत की मोहब्बत ना हो। इसलिए कि सारी कायनात ने अपने आप को कहा मुसलमान है, हर ने कहा मुसलमान है, लेकिन मुसलमान होना कामयाब नहीं है, सलमान होना कामयाब। नबी कह रहे हैं कि अगर अपनी जिंदगी को कामयाब करना, बस ये मैं कलाम कर रहा हूं अपने हमसिनों, अपने कमसिन भाइयों से, तो ये नबी का आना कोई मामूली बात नहीं है। बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं, इमाम नबी फरमाते हैं कि जब नबी के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहा, या नबी अल्लाह मा हुवा इस्लाम, ऐ नबी अल्लाह इस्लाम क्या है, तो नबी ने कहा कि गोश्त खाना इस्लाम है, बिरयानी खाना इस्लाम है, मसाला करना इस्लाम है, फिल्म देखना इस्लाम है, मजाक उड़ाना इस्लाम है, नमाज पढ़ना इस्लाम है, रोजा रखना इस्लाम है, कुरान पढ़ना इस्लाम है, अल्लाह को मानना इस्लाम, तो ही इस्लाम है, बल्कि का अल इस्लाम हुआ उसने खुद कि देखो इस्लाम इखलाक का नाम है, अगर इखलाक नहीं है तो याद रखो तुम इस्लाम से खारिज हो, तुम इस्लाम से खारिज हो। जितनी बार उसने पूछा मा हुवा इस्लाम, मा हुवा इस्लाम, नबी ने तमाम बार एक ही जवाब दिया हुआ उसने खुद, हुआ उसने खुद, हुआ हुक्मुल खुल्क। याद रखो इस्लाम कुछ नहीं सिवाय इसके कि वो बेहतरीन अखलाक हो। ज्यादा गोरा होना, काला होना, दौलतमंद होना, शोहरत याफ्ता होना, बुलंद कामत होना, साहिब शरीयत होना, साहिब नमाज होना, साहिब तक्वा होना, साहिब हाजी होना, साहिब दीन होना कमाल नहीं है। इसलिए कि तमाम चीजों को अगर कोई चीज इज्जत बख्शीश दी है तो उसका नाम है इखलाक। चाहिए कि अगर हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, तो जबानी दावा ना करें। ये जबानी दावा करने वाला अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, बहुत थे। हम अली वाले हैं, हमारी जबान भी कट जाए तो अली अली का नाना छोड़ आपको।